रोजाना ज्ञानवर्धक चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, 28 मार्च को है फागुन पूर्णिमा का दिन, जो कि सभी पूर्णिमाओं में सबसे ज़्यादा शुभ और फलदायी पूर्णिमा मानी जाती है, क्योंकि दोस्तों इसी दिन होलिका दहन भी किया जाता है और इसके अगले दिन रंगों का त्यौहार होली मनाया जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार 28 तारीख को होलिका दहन होगा और दोस्तों इस बार के होलिका दहन में एक बहुत ही ज़्यादा शुभ संयोग बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि इस बार 28 तारीख को सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, ध्रुव योग और गज केसरी राजयोग सब एक साथ पढ़ने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, यह चारों ही योग एक ही दिन पढ़ने के कारण इस दिन का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ इस दिन देवगुरु बृहस्पति और न्याय के देवता शनि अपनी ही स्वयं राशि में विराजमान रहने वाले हैं और दोस्तों ऐसा संयोग 499 वर्षों के बाद बन रहा है। जी हाँ, बता दें कि शनि ग्रह मकर राशि में रहने वाली हैं, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में विराजमान करने वाली हैं। दोस्तों, इन्हीं सब संयोगों की वजह से इस बार की होली बाकी सभी होलियों से बहुत ही ज़्यादा खास है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बार होलिका दहन के समय भद्रकाल की बाधा नहीं रहेगी। जी हाँ, फागुन पूर्णिमा के दिन भद्रकाल का समय सुबह 6:04 से दोपहर 1:54 तक रहेगा। इस प्रकार होलिका दहन पूर्णिमा की रात रविवार को शाम 7 से लेकर रात 12:40 तक किया जा सकता है। बता दें कि होलिका दहन का सबसे अच्छा समय रात 9 से लेकर 11 तक का है। इस दिन ओम होलिकाय नमः मंत्र का जाप करते हुए माता होलिका का विधिवत पूजन किया जाना चाहिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फागुन पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के चौथे अवतार यानी भगवान नरसिंह जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और उसके बाद उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके होलिका का पूजन करना चाहिए। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि यह फागुन पूर्णिमा की रात और भी ज़्यादा खास इसलिए भी है क्योंकि दोस्तों इस दिन रात को निकलने वाला चांद अन्य पूर्णिमाओं के चांद की तुलना में अधिक चमकदार और बड़ा होगा। यह लगभग 14% बड़ा और 30% अधिक चमक वाला होगा। जी हाँ दोस्तों, यह सारे बड़े संयोग इस दिन एक बड़ा महासंयोग बना रही हैं, जो कि कुछ राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है। बता दें, फागुन पूर्णिमा और होली का महासंयोग इन राशि वालों की ज़िंदगी पलट कर रख देने वाला है। जी हाँ, इनके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होने वाली है। दोस्तों, आखिरी राशियां कौन सी हैं, इन्हें क्या लाभ इस दिन होगा, ये सब हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको हम बता दें कि यह राशि वाले लोग अब बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाली हैं। इन राशि वाले लोगों के ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की अपार कृपा अब बनी रहने वाली है। इनके परिवार में अब सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, बौद्धिकता को बल मिलेगा। आप लोगों के लिए आने वाले दिन और आप लोगों के लिए ये आने वाला पूरा साल श्रेष्ठ फलकारक रहने वाला है। इस दौरान आप लोगों के साहस पराक्रम में भी वृद्धि देखने को मिलेगी।
आप लोगों को भवन एवं वाहन प्राप्ति की भी इस दौरान संभावना बन रही है। लेकिन दोस्तों, इस समय आपको अपनों के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। आप लोगों को आने वाले समय में कोई सुखद सा सरप्राइज भी प्राप्त हो सकता है। बस आप लोग जितना हो सके अनावश्यक चर्चा करने से बचें। आने वाले समय में आप लोगों के लिए कोई सुखद यात्रा का संयोग भी बन रहा है। दोस्तों, अब चलिए आपको हम बता देते हैं कि आखिर ये भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं जिनकी हम यहां पर बात कर रही हैं। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली जो राशि है वह है तुला राशि। जी हाँ, बता दें कि इस लिस्ट में सबसे पहला नाम तुला राशि वालों का आता है। बता दें कि माता रानी की कृपा दृष्टि अब इन राशि वालों पर बन रही है। गौरतलब है, बता दें कि यदि आप अपने सच्चे प्यार की तलाश कर रहे हैं तो आपको अपना सच्चा प्यार ज़रूर मिलेगा। जी हाँ, माता रानी की कृपा से अब आपके जीवन में आपका सच्चा प्यार आने वाला है। इसके साथ ही साथ जो आपके जीवन में कई समय से आर्थिक परेशानियां चल रही हैं उसका भी अब अंत निश्चित तौर पर होने वाला है। यानी कि अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो माता रानी की कृपा से आपको अपने व्यापार में खूब सारा लाभ अब देखने को मिलेगा। और जो लोग नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं उन्हें अब नौकरी भी अवश्य मिल सकती है। बहरहाल, अब आप मान लीजिए कि आपका अच्छा समय अब शुरू होने वाला है। दोस्तों, बता दें कि अगली राशि है मेष राशि। जी हाँ, बता दें कि इनके जीवन में जो पैसों से संबंधित तकलीफें अब तक चल रही थीं वे अब माता रानी की कृपा दृष्टि से ख़त्म हो जाएंगी। इसके साथ ही साथ इन्हें खूब सारा धन लाभ भी अवश्य होगा। इसके अलावा जो लोग नौकरी करते हैं उनकी अब तरक्की या प्रमोशन अवश्य होने वाला है। इन राशि वाले लोगों को धन से संबंधित सभी परेशानियां माता रानी की कृपा दृष्टि से धन संबंधित सभी परेशानियों से छुटकारा प्राप्त होगा। आने वाले समय में सफलता प्राप्त करने के कई सारे अवसर आपको प्राप्त होंगे। आप इन अवसरों का लाभ अवश्य उठाइए। दोस्तों, बता दें कि अगली जो राशि है वह है कन्या राशि। बता दें कि इनके जीवन में अब कई सारे अच्छे बदलाव आने वाले हैं। इन बदलावों से इनका जीवन अब एकदम से पलट जाएगा। बता दें कि इनके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन अब होने वाले हैं जिससे कि अब इनकी ग्रहों की स्थिति बदल जाएगी और साथ ही साथ इनका अच्छा समय शुरू हो जाएगा। बता दें कि आपके आय में वृद्धि होगी। आने वाला समय आप अपने परिवार वालों के साथ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बिताने वाले हैं। आपको अचानक धन लाभ प्राप्त होने की संभावना भी बन रही है। दोस्तों, बता दें कि अगली जो राशि है वह है मिथुन राशि। जी हाँ, बता दें कि मिथुन राशि वाले लोगों पर माता लक्ष्मी जी की दया दृष्टि अब बनी रहेगी, जिसकी वजह से इनका रुका हुआ कार्य अब सफलतापूर्वक पूरा होगा। आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं उन सभी परेशानियों से अब आपको छुटकारा प्राप्त होगा। कामकाज में आपका अत्यधिक मन लगेगा। नौकरियां, कारोबार में आपको आगे बढ़ने के कई सारे अवसर अब प्राप्त होंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने भी जा सकती हैं। आप लोगों का आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहने वाला है। दोस्तों, बता दें कि अगली जो राशि है वह है मकर राशि। जी हाँ, बता दें कि मकर राशि वाले लोगों के ऊपर अब माता लक्ष्मी जी मेहरबान रहने वाली हैं, जिसकी वजह से अब समाज में इनका मान सम्मान बढ़ेगा। साथ ही साथ इनकी आर्थिक स्थिति में भी अब सुधार देखने को मिलेगा। बता दें कि आपके कार्य क्षेत्र में आने वाली सभी बाधाएं और परेशानियां माता लक्ष्मी जी अब दूर करेंगी, जिसकी वजह से अब आप लोग दिन दुनी और रात चौगनी तरक्की करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, बता दें कि अगली और अंतिम राशि है कुंभ राशि। जी हाँ,
बता दें कि कुंभ राशि वाले लोगों पर भी माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि अब बनने वाली है। जीवन साथी के साथ आपका आने वाला समय सुखद व्यतीत होगा। आप लोगों को घर परिवार का पूर्ण सहयोग इस दौरान प्राप्त होगा। आर्थिक परेशानियां जो आपके जीवन में कई समय से चल रही हैं वह अब धीरे धीरे कम होती जाएंगी। आपकी सभी चिंताएं माता रानी स्वयं दूर करेंगी। इसके साथ ही साथ विद्यार्थियों की पढ़ाई में आने वाली कठिनाइयां भी इस दौरान दूर होंगी। आपके द्वारा किए गए निवेश में भी आपको लाभ प्राप्त होगा। बस दोस्तों, आप इस दौरान वाहन का प्रयोग करते समय सावधानी बरतें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें।